हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मेंटरशिप क्लासरूम ऑफ घर से पढ़ाओ सक्षम क्विज प्रतियोगिता डेट्स 11th एंड 12th दिसंबर 2020। तो बच्चों, कैसी रही आपकी इस हफ्ते की क्विज? मुझे पता है जिन भी बच्चों ने नोट्स बना के पढ़ाई की थी उनको तो विज्ञान वाले पार्ट को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 ही मिनट लगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आए थे। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं प्रश्नों के ऊपर। तो आपका जो 11वां प्रश्न था विज्ञान में, वह क्या था? कायिक प्रवर्धन में जनन पादप के किस अंग से होता है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्शन अकर्स वेजिटेटिवली। और आपके ऑप्शंस थे, पहला जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, कायिक अंग यानी वेजिटेटिव पार्ट्स, उपरोक्त दोनों, या फिर चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो अब देखिए बच्चों, आपको याद होगा हमने कायिक प्रवर्धन की बात की थी। वैसे तो जिस बच्चे को नहीं भी आता था इसका आंसर, वो कायिक और कायिक जो है वो सिमिलैरिटी इसकी देख सकता था, और जो बच्चे ये सिमिलैरिटी भी नहीं देख सकते थे तो मैंने आपको अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहली विधि थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उस लेक्चर में ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि कायिक अंग क्या होते हैं, जैसे मूल, तना, जड़, पत्ती इत्यादि। तो इन्हीं सभी से जब जनन होता है तो वह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर था कायिक अंग। इसका सही उत्तर था कायिक अंग। 12वां प्रश्न, निम्न में से किस पौधे को कलम से जनन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिप्रोड्यूस्ड बाय ग्राफ्टिंग, कलम या ग्राफ्टिंग। तो आपको याद है बेटा, मैंने आपको लेक्चर में इनफैक्ट बताया भी था कि दो पौधों के मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, गुलाब और चंपा। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर उसकी कलम को काट लिया जाए, मैंने एनसीईआरटी की बुक में आपको उसका पेज नंबर भी बताया था कि इस पेज नंबर पे गुलाब का जो एक्सिल है वहां से काटना है कहां से, तो वो ग्राफ्टिंग की टेक्निक मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की थी। तो जिस भी बच्चे ने नोट्स बनाए थे और उस वीडियो को अच्छे से पढ़ा था उसको उसका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होगा। इसका उत्तर है कै भाग गुलाब। पत्थर चट्टा कौन सा होता है बेटा? पत्थर चट्टा पार्ट होता है ब्रायोफिलम, और ये तो अपने आप में ही एक अलग मेथड अपना लेता है। इसके तो पत्तों के किनारों में ही, मार्जिन ऑफ द लीव्स में ही जो है अपने आप प्रवर्धित हो जाते हैं पत्तियां। और सी पार्ट था यीस्ट, ये भी नहीं है इसका सही उत्तर, और घे भाग मेथी, यह भी नहीं है। तो इसका पहला भाग गुलाब, यही सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या था? निम्न में से कौन आलू की तरह जनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस लाइक अ पोटैटो। ऑप्शन क्या है आपके? पहला अदरक, दूसरा हल्दी, तीसरा उपरोक्त दोनों, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखो, आलू और अदरक ये तो आपने पढ़ा ही था, है ना? तो इनकी बनावट एक जैसी होती है, पर क्या आपने कच्ची हल्दी देखी है? कच्ची हल्दी की भी बनावट अदरक या आलू की जैसी होती है, और राइजोम पार्ट ऑफ द स्टेम जो अंडरग्राउंड होता है उसी के द्वारा ये भी रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए अदरक और हल्दी दोनों। तो इसका गै भाग उपरोक्त दोनों, यह बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं? पहला, पौधों को तैयार करने में कम समय लगता है। दूसरा, यथार्थ प्रतिलिपि प्राप्त होती है। तीसरा, पुष्प और फल जल्दी लगते हैं। या चौथा, उपरोक्त सभी। अगर आपको याद हो तो लेक्चर वीडियो में मैंने आपको एक छोटे से साइड ऑफ द कॉलम में एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताया था, और उसमें यही तीन इसके एडवांटेजेस बताए थे मैंने आपको कि पौधों को तैयार करने में कम समय लगता है, यथार्थ प्रतिलिपि मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपीज पेरेंट के जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और पुष्प और फल जल्दी लगते हैं। तो इसका भी ऑप्शन है घे, उपरोक्त सभी। और बच्चों आपका लास्ट जो 15वां प्रश्न था वह था, किस जनन विधि में पादप बीज से नहीं उत्पन्न होते हैं? विच ब्रीडिंग मेथड डज नॉट प्रोड्यूस प्लांट फ्रॉम सीड्स। और आपके ऑप्शंस हैं लैंगिक, अलैंगिक, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आप देखिए, एलिमिनेशन मेथड, उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता,
ऑफ कोर्स एक तो मेथड लैंगिक या अलैंगिक जनन में से है ना, जिसमें से पादप जो है वो बीज से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उपरोक्त दोनों भी नहीं हो सकता। अब आपके पास 50-50 मतलब दो ऑप्शंस बचे हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक जनन। तो देखो बेटा, लैंगिक जनन मैंने आपको समझाया था, लैंगिक जनन होता है जब हम जो जनन की प्रक्रिया बीजों से उत्पन्न होते हैं, जब नए पादप, तब उसको लैंगिक जनन में कैटेगराइज किया जाता है। यहां पर सही ऑप्शन होगा इसका अलैंगिक जनन, क्योंकि अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ही वो मेथड है जिसमें नया पादप बीज से उत्पन्न नहीं होता है। तो आई होप आपने भी यही आंसर्स मार्क किए होंगे, और नेक्स्ट क्विज के लिए तैयार करने के लिए अब आपको नेक्स्ट वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, शेयर करिए अपने टीचर्स के साथ में, और रिवॉर्ड्स पाइए बेस्ट स्टूडेंट्स के तरीके से। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।